उम्र अय्यार। कोई तीस भी दुनिया की कहानी सुना मत, कोई काफ की। सबसे बड़ी फिल्म, तहलका मचा देने वाली कहानी। You really don't know who you are। सबसे ज्यादा बिजनेस, लेकिन हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जादू, साइंस और पूरी इसरारियत का हसीन इम्तिजाज। एक ताकतवर फ्रीक को हाजिर करना चाहता है। नॉर्थ अमेरिका के सिनेमाओं में रिलीज हो चुकी है। इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी। आज ही अपने करीबी थिएटर्स जाएं, चेक करें। तुम्हें वाकई मुझ पे इतना भरोसा है? दुनिया भर में कहानियों में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये किरदार पहली मर्तबा आपके सामने। मान लोगे तो जान लोगे। उम्र अय्यार देखना मत भूलिएगा। दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं। और देखने का मौका मत गवाइएगा। अय्यारों तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबर की जानिब। वहाब और रजाक की बरतरफी पर पीसीबी की खामोशी। पाकिस्तान क्रिकेट की सर्जरी शुरू होते ही मुतनाज़ा किया। सर्जरी उखाड़ पिछाड़, अंदरूनी कहानियाँ, ज़राए तब्दीलियाँ, असलहत और ऐसे ही मुतअद्दिद अल्फाज आने वाले दिनों में मुकामी मीडिया की खबरों में नज़र आएंगे। वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक ऐसे नाजुक मोड़ से गुजर रही है जो अमूमन हर वर्ल्ड कप के बाद टीम और क्रिकेट बोर्ड को दरपेश होता है। इस मरतबा इसे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, जिनके पास वजारत दाखिला का कलमदान भी है, ने सर्जरी का नाम दिया है। इस सर्जरी के पहले दो मुतासरीन अब्दुल रजाक और वहाब रियाज बने, जिन्हें अपने ओहदों से बरतरफ कर दिया गया है। दोनों ही साबिक खिलाड़ियों के पास क्रिकेट बोर्ड में दोहरे ओहदे थे। अब्दुल रजाक मर्दों और ख्वातीन दोनों टीमों की सिलेक्शन कमेटी के रुकन थे, जबकि वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी के रुकन होने के अलावा टीम के सीनियर मैनेजर के ओहदे पर भी फाइज थे। नाज़रीन, इस ऐलान के सामने आने के चंद घंटे बाद ही वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी पर कोचेस की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट्स के हवाले से मुबैना मालूमात मखसूस मीडिया चैनल्स पर सामने आने लगी हैं, जिनमें चंद बेरब तफसीलात हैं जिन्हें यहां दोबारा शाया नहीं किया जा रहा। लेकिन इन मुबैना मालूमात में खसूसन फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को निशाना भी बनाया गया है। पीसीबी ने गुज़श्ता रोज़ से गर्दिश करने वाली इन रिपोर्ट्स के हवाले से ताहाल कोई तरदीद जारी नहीं की और नाज़रीन पीसीबी के तर्जुमान समीउल हसन बर्नी ने इस बारे में मौक़िफ़ देने से भी माजरत कर ली है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट में भूंचाल आने वाले दिनों में मज़ीद तब्दीलियों, बयानात और अंदर की खबरों के बायस शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ताहम ताहाल पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से इस बारे में कोई बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। नाज़रीन, ताहम 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, जिसमें कोच और कप्तान बाबर आजम भी शामिल थे, में से सिर्फ वहाब रियाज और अब्दुल रजाक को बरतरफ क्यों किया गया और क्या सिर्फ अशखास की तब्दीली से पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ढांचे में बेहतरी आ सकती है? मोहसिन नकवी की जानिब से वहाब रियाज की बरतरफी को ख़ास तौर पर मकबूल फैसले के तौर पर देखा जा रहा है और इनकी बरतरफी से बज़ाहिर ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि इनके करीबी लोग भी एहतसाब से बच नहीं सकते हैं। ताहम इस बारे में पीसीबी के एक अहलकार, जो उन फैसलों को वजूहात का इल्म रखते हैं, उन्होंने शनाख्त जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि तहकीकात में ये बात सामने आई कि वहाब रियाज और अब्दुल रजाक जिन खिलाड़ियों की शमूलियत पर जोर दे रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी के दीगर अराकीन इन खिलाड़ियों की जगह दीगर खिलाड़ियों को ले जाना चाहते थे और इनकी जानिब से मुसलसल दबाव के बाद भी सिलेक्शन कमेटी के दीगर अराकीन खामोश हो गए हैं। इससे दोनों सेलेक्टर्स की मखसूस खिलाड़ियों और खसूसन एक खिलाड़ी की तरफदारी का तासुर गया और इन खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप में खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दी। उनकी बाद में आजादाना तहकीकात भी करवाई गई और उनमें से मालूम हुआ कि सीनियर मैनेजर वहाब रियाज इस हवाले से कोई भी एक्शन लेने में कामयाब नहीं हो सके। इन दावों के हवाले से वहाब रियाज से मौक़िफ़ मांगा है, ताहाल कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ है। ख्याल रहे कि वहाब रियाज के अलावा टीम मैनेजर मंसूर राना को भी ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। वहाब रियाज और अब्दुल रजाक की जानिब से सोशल मीडिया और मुकामी मीडिया पर अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ाम के बारे में बयान जारी किए गए हैं। वहाब रियाज ने सोशल मीडिया पर जारी तफसील भी बयान की है और वो ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते और सिलेक्शन कमेटी में रुकन
के तौर पर भी उनका काम ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा है कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने खलूस के साथ काम किया। सिलेक्शन पैनल का हिस्सा बनकर काम करना मेरे लिए एजाज़ रहा। सात रुकनी कमेटी के रुकन की हैसियत से कौमी टीम के फैसले करना एजाज़ था मेरे लिए। उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के फैसलों पर तनकीद के हवाले से भी बात करते हुए कहा कि हर किसी का वोट यकसां है, एक टीम के तौर पर फैसले किए और सब ने यकसा तौर पर उसकी जिम्मेदारी ली। एक वोट कैसे 6 पर भारी हो सकता है, मीटिंग मिनट्स में सब कुछ रिकॉर्ड पर है। इस बारे में अब्दुल रज़ाक की जानिब से भी यही बयान सामने आया है। ख्याल रहे कि वहाब रियाज को सन 2022 में इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब के अहदे पर फ़ाइज़ मोहसिन नकवी ने अपनी काबीना में वहाब रियाज को बतौर वज़ीर खेल शामिल किया था, जिसके बाद वो ज़का शक के दौर में PCB में तैनात रहे और बाद में चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बने। मोहसिन नकवी की जानिब से सिलेक्शन कमेटी में 7 अराकीन शामिल करके हर रुकन के वोट को यकसा अहमियत दी गई थी, लेकिन आम तासुर यही था कि वहाब रियाज ही सिलेक्शन कमेटी के फैसलों पर ज़्यादा असर रसूख रखते हैं। PCB के अहलकार से जब पूछा गया कि इन बरतरफियों के बारे में कोई वाज़े बयान क्यों जारी नहीं किया गया, तो उनका कहना था कि इसकी अमूमन कानूनी वजूहात होती हैं, मुतासरा शख्स बोर्ड को अदालत ले जा सकता है, इसलिए कभी वजूहात नहीं बताई जाती। वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी के बाद दुनिया भर में खेलों के बोर्ड की जानिब से तब्दीलियाँ की जाती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से की गई इन तब्दीलियों पर शोर क्यों मच रहा है? सहाफ़ी और माजी में पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर के तौर पर काम करने वाले एहसन इफ्तिखार नागी के मुताबिक जिस तरह से ये तब्दीलियां की जा रही हैं और इस हवाले से जो इबहाम मौजूद है वो परेशान कुन है। वो कहते हैं कि ताहाल क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ना ही टीम की परफॉर्मेंस के बारे में कोई बाज़ाब्ता बयान दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट के मद्दा इस बारे में तफसीलात और वजाहत चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जब इंग्लैंड की टीम 2015 के वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हुई थी तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से रिव्यू किया गया था, जिसमें पूरी दुनिया के कामयाब कप्तानों की राय ली गई थी और अपनी डेटा टीम के ज़रिए हिकमत अमली तैयार की गई थी। इसके बाद सन 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने अपने नाम किया और 2022 में भी T20 वर्ल्ड कप में फातह हासिल की। देसी टीवी USA से फिलहाल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे चैनल्स देसी टीवी USA, DTVNN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां पर आपको 3000 से ज्यादा चैनल्स देखने को मिलेंगे। ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन फिल्म उम्रो अय्यार ईद के रोज से तमाम सिनेमा घरों में रिलीज। हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, अछूता मौजू, अपने करीबी सिनेमा हॉल जाएं, चेक करें और देखना ना भूलें। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी।